आइए रुक कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। और हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट की हरियाणा प्रधान अनीता सैनी नेशनल हैंड टू हैंड फाइटिंग स्पोर्ट चैंपियनशिप के लिए हरियाणा टीम को लेकर शहीद भगत सिंह स्टेडियम से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई। वहीं एसडीएम जयवीर यादव, प्रवीण अंकों का अस्पताल निदेशक रेणुका प्रवीण व पार्षद सुमन शर्मा ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं संघ के सचिव रामेश्वर ने बताया कि अगस्त माह में नेशनल खेल प्रतियोगिता हेतु ट्रायल हुए थे, जिसमें महिला पुरुष वर्ग में सब यूनियर व सीनियर वर्ग में 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। अब चंडीगढ़ में 11 सितंबर तक होने वाली नेशनल हैंड टू हैंड खेल प्रतियोगिता में ये सभी खिलाड़ी भाग लेकर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के लाखों किसानों को खेती करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं भारत सरकार के निर्देशानुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों का EKYC करवाना अनिवार्य है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निर्देशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि पोर्टल अभी भी खुला है। जिला सिरसा में कुल 1,29,999 किसान पंजीकृत हुए हैं। इनमें से 86,711 किसानों ने अपना EKYC अपडेट करवा लिया है और 43,288 किसानों ने अभी तक अपना EKYC अपडेट नहीं करवाया है। यूथ कांग्रेस की जिला इकाई ने जिलाध्यक्ष नवदीप कंबोज की अध्यक्षता में नवनियुक्त जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता का बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ यूथ इकाई से महासचिव हर्ष मित्तल, गौरांश अरोड़ा, जगपाल सिंह व पंकज शर्मा भी मौके पर मौजूद थे। श्री गणेश महोत्सव में दिल्ली के लाल बाग का राजा अपने भक्तों के दिलों पर राज कर रहा है, जहां दिन प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि गणपति के दरबार में सच्चे मन से की गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। सिरसा के विधायक, पूर्व गृह राज्य मंत्री एम हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा एवं उनके अनुज वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने भी लाल बाग का राजा में शीश नवाया और सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए कामना की। आयोजक लालबाग का राजा ट्रस्ट की ओर से कांडा बंधुओं को श्री गणेश की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित भी किया गया। लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल हल्का कालांवाली में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए शनिवार को सिरसा पहुंची। वहीं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट कपिल सोनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर लगातार पार्कों व शहरों में सफाई संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सांसद ने सुबह सर्वप्रथम देवीलाल पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें सफाई व्यवस्था में खामियां मिली, जिस पर उन्होंने नगर परिषद ईओ को अवगत करवाया और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के दिशा निर्देश दिए। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं के डबवाली खंड में अकाल अकादमी अहमदपुर दारेवाला के विद्यार्थियों का प्रदर्शन पूरी तरह से सराहनीय रहा। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर अकाल अकादमी की प्रधानाचार्य भूपेंद्र कौर ने सभी बच्चों और अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी और खेल शिक्षक रीटा ने भी बहुत कम समय में बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी करवाई, इसके लिए उन्हें भी आभार व्यक्त किया। सिरसा दौरे के दौरान सांसद सुनीता दुग्गल बाजुमो के जिला मंत्री डॉक्टर रमन शर्मा के हुड्डा स्थित निवास स्थान पर पहुंची, जहां सांसद सुनीता दुग्गल का भव्य स्वागत किया गया। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी सिरसा आना हो तो कार्यकर्ता से अवश्य मिले और पार्टी गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाए। कालांवाली के विधायक शीशपाल केरवाला ने अपने हलके के विभिन्न गांवों खैरे का सारनी, बप्पा, डाबा, बंगू, बड्डागुड़ा, वीरूवाला, जोरड़, रोही, थिराज, जिड़ी, अलिका व नागोकी में जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान को आरंभ किए हुए हैं और लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और जो इस बात का प्रमाण है कि लोग भाजपा व उनके सहयोगी दलों से परेशान हुए पड़े हैं। वहीं विधायक शीशपाल केरवाला ने यह भी कहा कि आज महंगाई, अपराध व नशे की स्थितियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि हर व्यक्ति इनसे पूरी तरह से परेशान हो चुका है। सीएम के नेशनल महाविद्यालय में शनिवार को प्राचार्य डॉक्टर नीना जोग की अध्यक्षता में ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल एवं नॉन मेडिकल सहित सभी संकायों के नवनियुक्त विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर नीना जोग ने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय परिसर, महाविद्यालय के इतिहास, उद्देश्य, आचार संहिता, एंटी रैंगिंग सेल व सभी क्षेत्रों से जुड़ी उपलब्धियों से परिचित करवाया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया।